आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं बॉयल किए हुए 7 से 8 आलू। यहाँ पर हमने 2 प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं, हरी मिर्च ली है 3 से 4 बारीक कटी हुई, और कुछ धनिया की पत्तियाँ हमने कट करके ले ली है, और ले लिया है 1/2 नींबू। यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सरसों का तेल। यहाँ हमने तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, और यहाँ पर हमने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और कटी हुई प्याज जो हमने काट कर रखी थी उसको डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू, और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। दिए हमने 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इसको डालकर हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, जैसे आप खाते हो। यहाँ हमने डाल दी है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम भून लेंगे। यहाँ पर हमने काला नमक ऐड किया है 1/2 छोटा चम्मच, और नींबू का रस 1 चम्मच डालकर अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद लास्ट में हम इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया की पत्तियाँ, और फिर इसको भून कर उतार लेंगे। यहाँ हमारी आलू बनकर तैयार हो गई। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी सभी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे बेसन और चावल के आटे का घोल, जिसमें हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच चावल का आटा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। नमक टिक्की में भी पड़ा हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखें, नमक आप अपने स्वादानुसार ही डालें। अब यहाँ हम इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका पतला घोल रनी घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर हमारा घोल बनकर तैयार हो गया। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए हम अपनी टिक्कियों को इसमें कोट करके इसमें फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कोट करना है, और इसको गर्म तेल में डाल देना है। यहाँ हमने तेल में डाल दिया, और इसको हम पलट कर अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ देखिए एकदम फ्राई हो चुकी हैं, क्रिस्पी। अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने सर्व कर दिया है मीठी चटनी के साथ। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।